हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रिक एग्जाम। दोस्तों, आरआरबी जेईसीएन 3/2018 वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी मालदा जोन का पार्ट पैनल 1 जारी कर दिया गया। दोस्तों, ये चौथा जोन है जिसने अपना जेई का पार्ट पैनल 1 जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे किस कैटेगरी में अब कितनी सीटें बची हुई है, नेक्स्ट पैनल कब आएगा, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ऐसे ही एनालिटिक और अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आए इसको लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपका पैनल में नाम नहीं आया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी मालदा जोन में तो मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर है। अगर आप वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं और ऐसी वीडियो हमने एएलपी के लिए बना रखा है, जिसको आप हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सीधे आपको लेके चलता हूँ आरआरबी मालदा जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, ये मैं आरआरबी मालदा जोन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपका एएलपी का रिजल्ट आ रहा था, वहीं पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू फर्स्ट पैनल पार्ट पैनल फॉर जेई अगेन सीएन 3/2018। दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट फॉर मालदा। दोस्तों, एक पेज की आपकी पैनल आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी पेपर कब हुआ था, डेवी कब हुआ था, सब कुछ इसमें मेंशन है। साथ ही साथ दोस्तों, देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें थी और कितने का पैनल आ चुका है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 2 की, दोस्तों इसमें 3 सीट थी और 3 का पैनल आ चुका है, मतलब यहाँ की सारी सीटें भर चुकी हैं। कैटेगरी नंबर 2 अगर हम बात करें एससीआर की, तो यहाँ पे दोस्तों 4 सीटें थी, चारों फुल हो चुकी हैं, मतलब यहाँ भी सीटें खाली नहीं है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 3 ईआर की, तो यहाँ पे दोस्तों 44 सीट थी, जबकि 38 कैंडिडेट्स का आपका नाम यहाँ पे आया है, मतलब अभी भी 2 सीट यहाँ पे खाली है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात कर ले कैटेगरी नंबर 3 आपकी दोस्तों एसईआर के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे 28 सीट थी और 25 भर चुकी है, मतलब अभी भी 3 सीटें यहाँ पे खाली हैं। वही दोस्तों, अगर कैटेगरी नंबर हम 12 की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे ईआर में दोस्तों टोटल सीट थी 12, जिसमें 10 का पैनल में नाम आ चुका है, मतलब अभी भी 2 सीट यहाँ पे खाली है। वहीं कैटेगरी नंबर 12 एसईआर में दोस्तों आपकी 7 सीट थी, जबकि 6 का पैनल में नाम आ चुका है, मतलब 1 सीट खाली है। तो दोस्तों, ये सारे कैंडिडेट्स आपके सिविल के हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं टोटल सिविल में कितनी सीटें भर गई हैं और कितनी अभी भी खाली हैं। तो दोस्तों, टोटल सीट आपकी सिविल के लिए दोस्तों 86 कैंडिडेट्स का पैनल आ चुका है। और दोस्तों, अगर हम सीट की बात करें, दोस्तों 98 यहाँ पे सीट थी सिविल की, मतलब दोस्तों अभी भी 12 सीट यहाँ पे खाली है सिविल के लिए। जी हाँ दोस्तों, 12 सीटें आपकी अभी भी खाली है यहाँ पे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी के लिए। दोस्तों, कैटेगरी नंबर 17 की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों अभी 2 लोगों का पैनल में नाम आया है, जबकि 2 ही सीट थी, मतलब यहाँ भी सीट कोई खाली नहीं बची है। वही कैटेगरी नंबर 18 में भी 3 सीट थी, तीनों फुल हो चुकी है, मतलब यहाँ भी कोई सीट खाली नहीं है। कैटेगरी नंबर 40 में भी 3 सीट थी, तीनों फुल हो चुकी है। दोस्तों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कॉमन के लिए 3 ही पोस्ट की अभी तक रिजल्ट आया है, जिसमें 8 सीट थी और 8 फुल हो चुकी हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी कितनी सीटें आखिर बची हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको पता है कि आज के पैनल में 94 कैंडिडेट्स का नाम आया है, वही दोस्तों अगर हम टोटल सीट की बात करें, तो 248 सीट थी मालदा जोन से। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 154 आपके पैनल में नाम अभी आने बाकी हैं। अब दोस्तों, 154 में दोस्तों 12 आपके सिविल हैं। तो दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं 142 कैंडिडेट्स का अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में से कॉमन में से नाम आना बाकी है, 12 सिविल के और 142 मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कॉमन जो है उनके नाम आने बाकी हैं। दोस्तों, अगर आपका पैनल में नाम नहीं आया है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है अगला पैनल जल्दी आ जाएगा और उसका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, अगला पैनल कब तक आने वाला है? दोस्तों, जिस हिसाब से मालदा जोन का प्रोसेस चल रहा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट या जनवरी की स्टार्टिंग में आपका नेक्स्ट पैनल भी और फुल पैनल आ जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, ज्वाइनिंग कब होने वाली है? दोस्तों, इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग पैनल आने के 15 दिन के बाद धीरे धीरे लेटर सेंड होना शुरू हो जाता है। तो 15 दिन बाद इनके ज्वाइनिंग शुरू हो, मतलब लेटर इनके पास पहुंचने जाएगा और 1 महीने में हो सकता है ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाए। तो दोस्तों, जिस कैंडिडेट का अभी तक हुआ नहीं है या अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो दोस्तों मैंने एक वेटिंग लिस्ट के कॉमन चैनल ग्रुप बना रखा है सभी जोन के लिए, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाइए, आरआरबी जेई वेटिंग टाइप करिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
बहुत ज्यादा वहां पे आपको फायदा होगा। और हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे वेटिंग वालों के लिए तो स्पेशली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।